हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शिक्षा शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएसटीएस पेपर 153 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू महाजनपदास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। महाजनपदास की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके संदर्भ में सही नहीं है आपको बताना है। सबसे पहला, ऑल महाजनपदास वर मोनार्कीज, यानी जितने महाजनपदास थे वो मोनार्कीज थे, यानी वहाँ राजा हुआ करते थे। सेकंड है, देयर इमरजेंसी वॉज एट्रीब्यूटेड टू द फर्टाइल सॉयल एंड अबंडेंट आयरन ओर। तो जो उसकी इमरजेंसीज एट्रीब्यूटेड थी, यानी जो तत्काल में जो भी जरूरतें पड़ती हैं, तो वो फर्टाइल सॉयल थी या फिर बहुत ज़्यादा आयरन ओर मौजूद था, तो उसकी मदद से वो अपने जरूरतों को पूरा करते थे। थर्ड, द पीरियड विटनेस द कंपोजिशन ऑफ धर्मशास्त्रा बाई महा ब्राह्मणास। तो ये जो पीरियड था महाजनपदास था, तो वहाँ जो भी धर्मशास्त्रा होती थी, कंपोज होती थी, वो ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट महाजनपदास के संदर्भ में सही नहीं है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, इससे पहला सही है। मेन फीचर जो महाजनपदास थे वो ये थे कि जो अर्ली स्टेज थी वो ज़्यादातर राजा ही रहे हैं, और हाउएवर देयर वर ऑलिगार्की वर आल्सो नोन एज गामा एंड संघास। तो जो शुरू में तो राजा ही रहे, लेकिन कुछ समय बाद या उजनी में कहीं आसपास, या जो अलग अलग जो जनपदास थे उसमें छोटे छोटे जो जनपद थे, तो उसमें ओलिगार्कीज भी चलती थी। सेकंड है, एवरी महाजनपदास हैड इट्स ओन कैपिटल। सारी महाजनपदास की अपनी कैपिटल थी, और कैपिटल नॉर्मली जो किला था उसके मतलब उससे घिरा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आइलैंड्स इन न्यूज है और एक तरफ नेशन इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद। पहला है कुरील आइलैंड, विवाद है रशिया और जापान के बीच। दूसरा है पार्सल आइलैंड, ये है चाइना और वियतनाम। थर्ड है स्पार्सली आइलैंड, ये है ब्रिटेन और अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है A, B, 1 and 2 ओनली, किससे पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। जो स्पार्सली आइलैंड है ब्रुनेई, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, यानी इन चारों कंट्रीज, पांचों कंट्रीज के बीच की है। वहीं जो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच जो आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है वो फॉकलैंड है, जो कि अर्जेंटीना में नीचे की तरफ, यानी जो सदर्न अमेरिका है उसके जो पूरी क्षेत्र है, एकदम नीचे का टिप जो है वहाँ पे वो मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द सांगपो रिवर ऑफ चाइना विच लेटर फॉर्म्स द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंटर्स अरुणाचल प्रदेश एज। वो सांगपो रिवर जो कि चाइना में इसको बोलते हैं, और वही जब इंडिया में आता है तो उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करता है तो उसका नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है A, दिहांग रिवर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पार्शियल कोऑपरेशन, यानी कि BECA एंड कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट इज कॉमकासा आर समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विथ। तो जो हमारा BECA, बेका और कॉमकासा है, तो ये काफ़ी चर्चाओं में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये इंडिया और किस दूसरे देश से जुड़ी, ये दोनों बातें आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है USA। आप सबको पता होगा कॉमकासा, उससे पहले जो इंडिया ने हाल ही में एक और साइन किया, इंडिया साइंड लिमोआ, अर्लियर इन सितंबर 2018 में लिमोआ साइन किया था, और अब हाल में उन्होंने कॉमकासा को साइन किया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज और हैव मोर देन वन बायोस्फीयर रिजर्व। तो किस इंडिया के किस राज्य में एक से ज़्यादा बायोस्फीयर मौजूद है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है 1 असम, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ है हमारा ओडिशा।
तो इसका सही आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। आप सबको पता होगा मानस बाष्प रिजर्व है काजीरंगा, काजीरंगा बाष्प रिजर्व असम में। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पेंच है, अमरकंटक है, आपकी पन्ना है, तो काफ़ी सारे वहाँ पे बाष्प रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में शायद एक ही है और उड़ीसा में भी एक ही है, सिमलीपाल। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले लेड द फाउंडेशन ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जैसे आप सबको पता है, उन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। तो उसका उद्देश्य क्या था सोसाइटी का, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है पहला, टू ट्रेन द नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्वेंट सर्विस ऑफ इंडिया, यानी नेशनल मिशनरीज को भारतीय भारत के सर्विस के लिए, यानी भारत के जरूरतों के हिसाब से ट्रेन करना। सेकंड है, टू ओवर थ्रो द ब्रिटिशर्स थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको हटाना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो संविधान से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करके उनको हटाना। थर्ड है, टू फाइट अगेंस्ट द सोशल एविल्स, यानी जो भी सोशल एविल उस समय चल रही थी, जैसे सती सिस्टम हुआ, पर्दा सिस्टम हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ, तो इन सारी चीज़ों के विरुद्ध इन्होंने ये सोसाइटी शुरू की थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 और 3 ओनली, से पहला तीसरा सही है, सेकंड वाला सही नहीं है, सेकंड वाला गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार आर समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो गार आप लोगों ने काफी चर्चाओं में सुना होगा, किस चीज से जुड़ा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो गार है ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ पासेस हैं और एक तरफ कनेक्ट्स हैं। पास मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बनता है उसको बोलते हैं, और कनेक्ट यानी कौन से दो जगहों को जोड़ता है आपको बताना है। पहला है शिपकिला, कनेक्ट है हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। दूसरा है माना, यह है उत्तराखंड एंड तिब्बत। तीसरा है खारदुंगला, यह है लेह और सियाचिन ग्लेशियर। और फोर्थ हमारा दिहांग, यह है अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4 ओनली, यानी कि कहने का मतलब सारे ही जो भी मैचेस दे रखे हैं वो सबके सब सही हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, पासेज अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एक दो पूछ देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। तो एक दो इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो आप उन्हें याद करके जरूर जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चार्टर एक्ट 1833 आया था तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ लॉ कमीशन इन इंडिया टू कोडिफाई इंडियन लॉज, यानी इसके मदद से इंडिया में एक लॉ कमीशन का निर्माण किया गया था ताकि जो इंडिया के लॉज हैं उनको कोडिफाई किया जा सके, यानी कि उसको एक प्रॉपर वे में, चैनलिंग वे में किया जा सके। सेकंड है, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इसकी मदद से जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास थे वो देश के पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए थे। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, सिर्फ पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। कॉमन चीज़ है, मद्रास के गवर्नर जनरल को इतना लेट नहीं बनाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे 1773 के नियर अराउंड ही बन चुके थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। रिचुअल किनशिप वॉज द हॉलमार्क ऑफ द डायनेस्टी। The king of this dynasty claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. All royal orders were signed in the name of Sri Virupaksha. The king of this dynasty along also indicated their close links with the god by using the title Hindu Suratrana. तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि जो रिचुअल होती थी किनशिप को लेके, राजा महाराजाओं को लेके, वो एक हॉलमार्क होती थी डायनेस्टी की कि वो होनी ही होनी है।
तो उस चीज से जुड़ी है। आपको बताना है कि जो पूरा दिया हुआ कि एक राजा थे, वो रिचुअल्स हुआ करते थे, उनको लेके उनका जो नाम था वो श्री वीरपक्षा था, उनको हिंदी भगवान से जोड़ा जाता था और एक टाइटल दिया गया था हिंदू सुरा रत्ना। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, किस डायनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है आपको बताना है? तो इसका सही आंसर है सी, विजयनगर डायनेस्टी। बहुत पॉपुलर डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर, तो ये उस डायनेस्टी की व्याख्या की गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएसटीएस पेपर 152 जो था हमारा, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, विद रेफरेंस टू दी महद सत्याग्रह ऑफ 1927, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो महद सत्याग्रह जो 1927 में हुआ था, उसके संदर्भ में चार स्टेटमेंट दे रखे थे, आपको बताना कौन सा सही था। तो उसका सही आंसर है सी, इट वॉज लेड बाय द बी आर अम्बेडकर फॉर द अनटचेबल्स इन द महाराष्ट्र एंड इट वॉज एंटी ब्राह्मिन मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा आंसर में, इसको इसलिए अलग से मार्क किया गया है, ये एक एंटी ब्राह्मिन मूवमेंट था, अनटचेबल्स के लिए चलाया गया था और बी आर अम्बेडकर द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल ही में दो साल पहले महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेकर फिर से एक बार बवाल उठा था, क्योंकि एक टावर बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जब महादो ने शिवाजी पे जब हमला करके उनको हराया था, तो मतलब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उनको हराया था, तो उन्होंने एक टावर बनाया था जिसको लोग पूजा करते हैं, तो उसी को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था साल दो साल पहले। तो चलिए, से एक साथ जाने से पहले आज के यानी जीएसटीएस पेपर 150 ठीक है, आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ 1924 वॉज टू, जो लॉ ली कमीशन, सॉरी लॉ नहीं था, ली कमीशन जो 1924 में बना था, तो उसका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। पहला है, कंसिडर द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो एथनिक कॉम्पोजिशन सुपीरियर होती थी उच्च स्तरीय, तो उनको इंडियन पब्लिक सर्विसेज में भारत में उनको लाया जाना था, मतलब उन्हीं को उन्हीं का कॉम्पोजिशन, मतलब उन्हीं का एक मेल जोल रखना था। बी है, डिफाइन दी रेजुडरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय इंडिया के, तो उनकी जो रेजुडरी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है, जो बची ज्यूरिसडिक्शन जो कि लॉ में एडेड नहीं होती है, तो या एक समय के साथ उनको लाया जाता है, उनको रेजुडरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, तो उनको मतलब उनको पावर देना, डिफाइन करना सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए। सी है, इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, उस समय नेशनल प्रेस पे सेंसरशिप लगाना। डी है, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द देन इंडियन स्टेट्स, यानी जो उस समय का जो भारत सरकार थी उसको, उस समय और जो वहाँ के जो अलग अलग स्टेट्स से जो छोटे मोटे राज्य थे, तो उनके जो रिलेशन थी उसको बेहतर बनाने के लिए लाया गया था। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।